सरजमीन पर जो हिंदुस्तान ने जुल्म किया है उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। इनिशियलाइजिंग सिमुलेशन 89 हॉस्टाइल्स कंफर्म्ड। आदमी दिखाई नहीं दे ऐसा फॉर्मूला, ये कैसे हो सकता है? प्लान होगा कामयाब। क्या प्लान है भारत के दुश्मन देश की आर्मी का? क्या इंडिया के साइंटिस्ट बनाएंगे रोबोट्स? अब इसके आगे की स्टोरी। दुश्मन देश की सेना अब थर्ड डिग्री पर आ जाती है और हमारे साइंटिस्ट के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार करती है और उन्हें 24 घंटे खड़ा करती है और बांध कर रखती है। लेकिन उसके बावजूद हमारे देश के वैज्ञानिक उनकी एक नहीं सुनते। उसके बाद दुश्मन देश की सेना उन्हें खाना देना भी बंद कर देती है। दूसरी ओर जब भारत सरकार को पता चलता है कि हमारे साइंटिस्ट लापता है तो सरकार भारतीय सेना और रोबोट को लापता साइंटिस्ट को खोजने के लिए भेजा जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि आखिरी बार वो घर से अपनी लैब में जाने के लिए निकला था लेकिन लैब नहीं पहुंचा। जिसके बाद सेना और रोबोट आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच करते हैं। सीसीटीवी देखने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें किडनैप किया गया है। तब चिट्टी अपनी शक्ति का उपयोग करके उनकी लोकेशन का पता लगाता है। चिट्टी भारतीय सेना को बताता है कि वो यहाँ थे, मुझे इसका एहसास हो रहा है। जिसके बाद भारतीय सेना उस जगह की तलाशी लेती है और वहाँ वैज्ञानिकों की मौजूदगी के सबूत ढूंढती है और उन्हें सबूत मिल जाते हैं। लेकिन क्या चिट्टी उन्हें बचा पाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और तब तक इस कहानी पर अपने व्यूज हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।